इस वीडियो में आपको पांच बड़ी गलतियां बताई जाएंगी जिनसे या तो आपकी कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी या कुर्बानी करने का फ़ायदा हासिल नहीं होगा, सिर्फ वाजिब अदा हो जाएगा। तो आए इन गलतियों पर नज़र डालते हैं। छुरी का फेरना। दोस्तों, आपको ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि आप जिन कसाई से छुरी फिरवाते हैं इनमें 90% तबका गैर मुस्लिम का होता है। आपको छुरी खुद फेरना चाहिए। अगर आपकी फट्टी है या जड़ लगता है तो किसी जानने वाले से फिरवाएं, वरना आपकी कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी। दूसरों का एहसास ना करना। दोस्तों, एक और गलती जिससे हमें बहुत बड़ा गुनाह मिलता है वो है दूसरों का एहसास ना करना, यानी जानवर को इस तरह खड़ा रखना कि आने जाने वाले को तकलीफ़ महसूस हो, या किसी के घर के सामने बांधना, रास्ता रोकना। दोस्तों, इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए वरना सवाब कम मिलता है। नंबर 3, सूद और हराम की कमाई। दोस्तों, सूद या हराम की कमाई से की हुई कुर्बानी कबूल नहीं होती। बैंक से कर्ज़ा लेने वाले लोग ध्यान रखें, बैंक से होने वाला लेन देन सूद की रकम में हो, सूद की शक्ल में होता है, और हराम तरीके से कमाए हुए पैसे की कुर्बानी का कुछ फ़ायदा नहीं। गोश्त की तकसीम। 3 हिस्से करना फ़र्ज़ नहीं है, सुन्नत है। आप चाहे तो सारा गोश्त खुद रख लें या दोस्त से कर लें, लेकिन अगर आपके अपने रिश्तेदार में कोई ज़रूरतमंद है तो आपने उसे ज़रूर गोश्त देना चाहिए। इससे आपस में ताल्लुकात अच्छे रहते हैं और सवाब भी ज़्यादा मिलता है। बहुत ज़्यादा दिखावा करना। 10 लाख वाली एक गाय लेने से अच्छा आप 10 गायें लाख लाख वाली काट लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त गरीबों में तकसीम हो। 10 लाख की गाय करना बस एक दिखावा है, इससे दूसरों की दिल आज़ारी होती है और सामने वाले को नीचा दिखाया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।